हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। ठीक है, पिछला लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव के ये हमने देख लिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये हमने देखा था, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देखा था। आज के लेक्चर में हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछता है, डिफाइन एरर, या फिर 3 मार्क्स, या उसका कभी कभी ये 5 में भी आने के चांसेस हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर ले इस, और ये आता ही आता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे एरर के बारे में। एरर क्या है भाई? तो एरर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू। आप कोई चीज़ मेज़र कर रहे हो, मान लो ये क्या है, डिफरेंस बता रहा है किसके किसके बीच में। ये पेंसिल है, मान लो पेंसिल है, ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, 10-12 सेंटीमीटर का होगा। तो ये एक मतलब आपने मेज़र किया, ये कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, इसको मेज़र कर रहे हो, आप 10.1 ला रहे हो, 10.1 आप लिख रहे हो, 10.2 आ रहा है, या 9.8 कुछ भी आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हो आप, गलती हो रही है। तो वही है डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, जो मेज़र किया आपने मेज़र किया, क्या आया, 9.8 आया या 9.9 आया, और ट्रू वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 10 थी। आपने जो मेज़र किया वो कितना आया, 9.8 आया या 10.1 आया। तो ये क्या किया आपने, मतलब रॉन्ग हुआ आपसे, कुछ एरर हुआ। तो एक डेफिनेशन इसका ये बनता है। दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका, एनी डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज टर्म्ड एज एरर। आप डेविएट कर जा रहे हो, एनी डेविएशन, कुछ भी चेंजिंग हो रही है, कहाँ पे चेंजिंग हो रही है, ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू 10 थी, आप उसे डेविएट करके ये 10.1 कर दिए या 9.8 कर दिया आपने, डेविएट करके। इसको भी दूसरे तरीके से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एनी डेविएशन मतलब चेंजिंग, कुछ भी वहाँ से कुछ आपने चेंज कर दिया नाइन, तो क्या होगा, ये ट्रू, इसका डेफिनेशन हो गया एरर का। अब एरर का क्या होता है, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन एरर को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, एक है डिटर्मिनेंट एरर, दूसरा है इनडिटर्मिनेंट एरर। डिटर्मिनेंट एरर को एक नेम से और जानते हैं, इसको सिस्टेमिक एरर भी कहते हैं। और इनडिटर्मिनेंट एरर का 3 नेम्स है, रैंडम एरर के नाम से भी जानते हैं और एक्सीडेंटल एरर के नाम से जानते हैं। मतलब एरर को 2-3, इसको इनडिटर्मिनेंट को 2 नाम से, और तो सिनोनिम के लिए 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है, इनडिटर्मिनेंट एरर आल्सो नोन एज रैंडम एरर या एक्सीडेंटल, कुछ भी ऐसा दे देगा तो आपको ये चीज़ें लिखनी रहेंगी। ठीक है, अब क्या है, देखो ये इसके सोर्सेज हैं, किसी बुक में इसको क्या लिखा है, सब क्लासिफिकेशन लिखा है, बट सब और क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सोर्सेज लिख सकते हो कि भाई गलती हो रही है तो कौन से सोर्स पे, कौन से पॉइंट पे, कहाँ पे गलती हो रही है, ये भी तो पता करना है। तो कुछ यहाँ पे दिए हुए, जैसे इंस्ट्रूमेंटल आपने मेज़र किया, हो सकता है भाई स्केल में ही कमी ज़्यादा हो, उसमें जो मार्किंग किया गया होगा, आते हैं कमी ज़्यादा स्केल वाले भी आते हैं। आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपनीज़ के आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि उसके जो मार्किंग की गई है उसमें, तो इंस्ट्रूमेंट में ही। दूसरा क्या, पर्सनल या ऑपरेटिव एरर, इसको OR और भी लिख सकते हो, पर्सनल या ऑपरेटिव एरर। ठीक है, तो क्या है, मतलब वो बंदे से गलती हो जा रही है, पहला आपने क्या देखा इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा क्या है बंदे से, वो पर्सनल से। केमिकल एरर, आपने केमिकल ही रॉन्ग केमिकल ले लिया, या मेथड आपने रॉन्ग तरीके से उसको आप मेज़र कर रहे हो, आपको मेज़र करना नहीं आता था, या आपने कोई फॉर्मूला लगाया वो तरीके से रॉन्ग हो गया, आपने मेथड ही रॉन्ग लगा दिया। सेकंड क्या है, इनडिटर्मिनेंट एरर। तो इनडिटर्मिनेंट एरर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में, डिटर्मिनेंट एरर के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट एरर या सिस्टेमिक एरर के बारे में। ये क्या है भाई, दीज एरर कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द सिस्टमिक एरर इज पॉसिबल। ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसे एरर्स हैं जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। मान लो आपको ये मेज़र करना था, या पेन ये कितने का था, आपने बताया 10 का, तो लेकिन आपसे गलती हो रही थी, तो वो आप क्या करोगे, दोबारा आप करेक्ट कर सकते हो। तो दीज एरर कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज, इनको हम ठीक 100% मान लो नहीं करेक्ट कर पा रहे, तो कम से कम उसमें हम करेक्शन करके मिनिमम कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन उसका पॉसिबल है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट एरर का क्या है, डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डिटर्मिनेंट एरर, क्या क्या सोर्सेज है। जैसे पिछले क्लासिफिकेशन में अभी हमने देखा
कि उसके सोर्सेज है। तो पहला क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इस केस में क्या होगा, इट इज़ कॉज्ड बाय यूज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट। मान लो फॉल्टी इक्विपमेंट की बात करा कि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें रॉन्ग हो जा रहा है। मान लो आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक तराजू आप बटखरा यूज़ कर रहे हो, बाट यूज़ कर रहे हो, है ना। तो उसमें क्या होते हैं, 3 थ्रेड होते हैं, ये चीज़ आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा होता है आप जानते ही हो। तो क्या अगर एक इसका एग्जांपल बताऊं, तो बैलेंसिंग आर्म जो होता है वो अनइक्वल, मान लो कि इसमें क्या है, बैलेंसिंग आर्म ये छोटा बड़ा है, या थ्रेड इसके धागे छोटे बड़े हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो इसका एग्जांपल याद रखो, बैलेंसिंग आर्म ऑफ अनइक्वल लेंथ, कुछ भी इसका लेंथ वगैरह क्या हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, ये चीज़ हो गई। या फिर क्या हो गया, डिजिटल वाले आते हैं, डिजिटल वाले बाट आते हैं, उसमें आते हैं, ठीक है, वेइंग मशीन आते हैं, तो उसमें क्या हो, वो भी उसकी रीडिंग अच्छे से नहीं आ रही है, कभी माइनस में है, आपने क्या कर दिया, उसको वेइ कर दिया। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बात आती है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर या इसी का एक नेम और भी है, ऑपरेटिव एरर। इट इज़ द एरर मेड बाय द पर्सन डूइंग एनालिसिस। एनालिसिस के टाइम पे क्या हो, वो बंदे से रॉन्ग हो जा रहा है। एनालिसिस अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आप लिख सकते हो, इसके एग्जाम्पल में बंदे से क्या गलती हुई। मान लो कि वो कोई केमिकल है, केमिकल को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहा है, तो इसकी वजह से वो गलती हो सकती है। मान लो कोई रीडिंग है, बंदा है, भाई हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। कोई चीज़ वो मेज़र कर रहा था, मान लो पेंसिल मेज़र कर रहे थे, इसकी वजह से गलती हो रही थी, क्योंकि मुझसे ही गलती हुई है। या फिर कोई क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, तो उसके कलर में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, कलर कभी कलर चेंज होता है केमिकल का, तो कलर भी नहीं पहचान पा रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, गलती हो सकती है। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है पर्सनल एरर या ऑपरेटिव एरर, ऑपरेशनल एरर के, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग केमिकल एरर्स। केमिकल एरर में क्या हो सकता है, दिस एरर इज ड्यू टू द इम्प्योरिटीज इन द केमिकल्स। केमिकल्स में कोई ना कोई इम्प्योरिटीज आ जाएगा। जनरली देखा गया कि आर्सेनिक के, क्लोराइड के, सल्फेट के, फेरिक के, इन सब के इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, है ना। तो इनके इम्प्योरिटीज़ की वजह से कभी कभी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, एरर हो सकता है, हमारा रिजल्ट राइट नहीं आएगा। तो ये भी एक रीज़न है किसका, एरर का, ठीक है। उसके बाद में मेथडोलॉजी, आपने कोई मेथड यूज़ किया, फॉल्टी मेथड यूज़ किया, तो वो मेथड की वजह से क्या हो जा रहा है, मेथड की वजह से भी प्रॉब्लम आ जा रही है, तो मेथडोलॉजी भी एक रीज़न हो सकता है। तो इस तरीके से हमने सोर्स देखा किसका, डिटर्मिनेंट एरर का। अब हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेंट एरर के बारे में। इनडिटर्मिनेंट एरर या इसी को हम लोग क्या जानते हैं, रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर। ये क्या है, दीज एरर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज। इस टाइप के एरर को आप क्या कर सकते हो, ना मिनिमाइज कर सकते हो, ना प्रिवेंट कर सकते हो। क्यों, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द डिटर्मिनेंट एरर इज नॉट पॉसिबल। तो भाई जब आप जिस चीज़ को पता ही नहीं लगा सकते हो, प्रिवेंट नहीं कर सकते, उनको मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो उनको क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसको आप आइडेंटिफिकेशन पता ही नहीं लगा पा रहे हो, है ना, करेक्शन तो कहाँ से करोगे। तो ये सारी चीज़ें इसका डेफिनेशन हो गया इन डिटर्मिनेंट एरर का, क्योंकि इसका नाम ही है एक्सीडेंटल, अचानक से कोई एरर हो जाएगा। अभी सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, या रैंडमली कोई एरर हो गया, अचानक रैंडम आप कुछ कर रहे थे, तो अचानक से किसी ने पीछे से क्या, वो मतलब बारिश आ गई, या पानी आ गया, आधी तूफान हो गया, बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग हिल गई, या और भी सारी चीज़ें आ जाती है। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके। सोर्सेज ऑफ इनडिटर्मिनेंट एरर, नंबर वन, सैंपल हैंडल इम्प्रॉपरली। सैंपल आप लेते टाइम पे आपने क्या कर दी थी, लापरवाही कर दी, या किसी ने आपको पता ही नहीं चला कि हाँ सैंपल मैं इम्प्रॉपर वे में हैंडल कर रहा हूँ, कोई चीज़, कोई केमिकल उठा रहा हूँ इम्प्रॉपर वे में। तो ये पहला क्या हो गया इसका, सैंपल हैंडलिंग। दूसरा क्या है, इनएफिशियंट इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट ही नहीं है आपके पास में, वो सब्सटेंस ही नहीं है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल करोगे या वो टेस्ट करोगे, तो आप कैसे करेक्ट कर सकते हो। या तो फिर जाओ केमिकल लेके, वो इक्विपमेंट लेके आओ, तो उस टाइम पे एट दैट मोमेंट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ बबल इन ब्यूरेट, ब्यूरेट या पीपेट आप क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या हो सकता है, मान लो कि ब्यूरेट या पीपेट आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो ब्यूरेट के अंदर क्या हो सकता है, बबल आ गया, ठीक है। तो अब ये पूरा केमिकल आपका वेस्ट जाने वाला है, ये रीडिंग आपकी रॉन्ग आने वाली है, तो बबल की वजह से भी क्या हो सकता है,
हमारा एरर आ सकता है। और ये क्या है, रैंडम हुआ है, अचानक से हुआ है, एक्सीडेंटल हुआ है, तो ये आप करेक्ट वो मोमेंट में करेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए इसका करेक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्रॉपर वॉशिंग आफ्टर ईच सैम्पलिंग। अब कोई भी आप क्या कर रहे हो, कोई बीकर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा यूज़ करने से पहले बिफ़ोर यूज़ एंड आफ्टर यूज़ उसको क्या करना रहता है, वॉश करना रहता है। कोई बीकर हो गया, कोई हमारा टेस्ट ट्यूब हो गया, जितने भी आप इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो प्रैक्टिकल के लिए या टेस्टिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, उसको वॉश करनी है। उसके बाद में क्या दिया है, लेस ट्रेंड ऑपरेटर्स, जो भी वो बंदा काम करने वाला है, वो पर्सन है, वो लेस ट्रेंड है, उसके पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, कहने मतलब वो फ्रेशर है। अभी किसी फ्रेशर को आप कोई काम करने को दे दोगे तो क्या करेगा भाई, ख़राबी करेगा ना, तो ये इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो इसका आप करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ आपने क्या किया, गलत कर दी उसी टाइम पे। आप करेक्शन एक ही तरीके से कर सकते हो, वो बंदे को वहाँ से रिप्लेस करो, नए क्या करो फिर, एक्सपीरियंसफुल बंदों को लेके आओ। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, फ्लक्चुएशन इन द एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, क्या होगा, या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, मान लो कोई पाउडर का काम आप कर रहे हो, कोई पाउडर बना रहे हो, अब पाउडर बनाते बनाते अचानक से क्या हो, बारिश आ जाए, आप पाउडर बना रहे हो, इसमें क्या मतलब रूम के अंदर क्या आने जाए, बारिश आ जाए बहुत तेज़ से, उसमें हवा के झोंके आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से उसमें फ्लक्चुएशन हो गया टेम्परेचर में, तो इसकी वजह से आपको बारिश तो रोक सकते नहीं, आपको अपना काम ही रोकना पड़ेगा, और जिस जहाँ जहाँ पे बारिश की ड्रॉप आ चुके हैं वो सारा प्रोडक्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक्सीडेंटल है, अचानक से होने वाला या रैंडम एरर के एग्जांपल में आता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया बहुत इजी वे में। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक के, 1-1 मार्क का क्वेश्चन है, और ये पूछता है आता ही आता है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूरेसी आप 11th में भी पढ़ के आए हो, बट आपके सिलेबस में भी यहाँ पे भी दिया हुआ, वही सारी चीज़ें हमें रिपीट करनी है। एंड एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विद द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल रिजल्ट। एक्यूरेसी एक्सप्रेस द करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट। एक्यूरेसी मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि इट इज़ एक्यूरेसी मीन्स द क्लोजनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विद द ट्रू वैल्यू। मान लो आपने कोई चीज़ मेज़र किया था, ठीक है, मान लो आपने पेन ही मेज़र किया था आपने अभी, तो क्या देखा था कि भाई पेन का जो हमारी लेंथ है, ये पेन की लेंथ है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब बार बार आप इस चीज़ को मेज़र कर रहे हो तो आपसे कितना आ रहा है, 10.1 आ रहा है, 10.2 आ रहा है, 10.3 आ रहा है, ये आपने मेज़र किया, तो आप देख क्या देख रहे हो भाई। अब इसकी एक्यूरेसी हमें पता करना हो कि एक्चुअल में मान लो कि 10 आना चाहिए, और वो चीज़ें अभी आपको पता नहीं है कि हाँ 10 कितना था, आपने मेज़र किया, 3 रीडिंग लेके आए, 3 लोगों को दिया मैंने कि मेज़र करके लाओ भाई ये पेन कितना है, एक बंदे ने बताया कि भाई 10.1 है, दूसरे ने बताया 10.2 है, तीसरे ने बताया कि 10.3 है, तो आप क्या बताओगे कि एक्यूरेसी कौन है। एक्यूरेसी पहला वाला है कि ये बिल्कुल करीब है, एक्यूरेसी मतलब कि एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट। तो वही इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन देखो, एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस, भाई क्लोज, कौन क्लोज है, किसके क्लोज है, ट्रू वैल्यू के, कौन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। ठीक है, आप समझ में आ गया हो गया, क्लोजनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, अभी आपने ये एक्सपेरिमेंट करके 3 बताया कि 3 रीडिंग है, अब इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किसके, ट्रू वैल्यू के। ठीक, इस तरीके से दूसरे लाइन में हम क्या बता सकते हैं, इसको एक्यूरेसी एक्सप्रेस करता है क्या चीज़ को, करेक्टनेस, भाई हाउ करेक्ट, कितना करेक्ट है वो, भाई करेक्ट ही तो बताए कि भाई सर हमारा ये आ रहा है, तो मान लो कि हाँ चलो भाई ये 10 के पास में आ रहा है, तो ये करेक्ट रिजल्ट है, 3 रिजल्ट किसी ने दिया तो भाई ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है, उसके बाद ये करेक्ट है, और थर्ड नंबर ये करेक्ट है, ये तरीके से आप बता सकते हो। दूसरा नेक्स्ट इसमें आता है, दूसरा 1 मार्क का क्वेश्चन, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। ये क्या बता रहा भाई, ये भी क्लोजनेस है, किसका क्लोजनेस है, सेट ऑफ वैल्यू, बहुत सारे वैल्यूज क्या है उनका क्लोजनेस है, ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट। मान लो आपने वो चीज़ देखी होगी तीरंदाजी वाली, है ना,
तीर अंदाजे वाले आपने देखा होगा कि क्या तीर से मारा जाता है गोले पे, ये गोला रहता है और इस पर तीर से मारा जाता है कि इसके। अब मान लो कि कोई बंदा है जो तीर से मार रहा है। अब उसको बात यहाँ पे सेंटर में निशाना नहीं लग रहा है उसका, उसका जो निशाना लग रहा है कहाँ पे लग रहा है, उसका निशाना मान लो यहाँ पे लग रहा है, जितनी बार उसने मारा जितनी बार उसको यहीं पे लगा, समझ पा रहे हो, सेंटर में नहीं लगा। तो वो इस तरीके से ये क्या बोल सकते हो, ये प्रिसीजन है। प्रिसीजन मतलब जहाँ भी जो भी हमारे रिजल्ट आ रहा है सेम वही आ रहा है, वही पे आ रहा है, और हमारे जो मेन रिजल्ट है वहाँ तक का तो नहीं पहुँच रहा है बट दूसरी जगह पे जा रहा है और सेम वही रिजल्ट हमारा आ रहा है। अब ये लाइन को आप कनेक्ट करो यहाँ से, प्रिसीजन इट रिफर्स द क्लोजनेस, हाँ भाई एक दूसरे के क्लोज है, सब पास पास में है, किसका, ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू, बहुत सारा आपने इस पर तीर मारा, बहुत सारे सेट, ए पूरा ग्रुप बन गया, तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट, आपने बार बार उस चीज़ को मेजर किया, हाँ भाई एक ही तरीके से आपने मेजर किया और हमारा बार बार वही आ रहा है, समझ पा रहे हो, ऑफ क्वालिटी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अगर दूसरा एग्जांपल लें तो क्या हो सकता है, अगर मान लो हम पेन वाले पे ही आ जाते हैं, पेन हमारा 10 सेंटीमीटर था, अब आप बार बार मेजर कर रहे हो, सर 10.1 आ रहा है, सर 10.01 आ रहा है, सर 10.02 आ रहा है, सर 10.03 आ रहा है, मतलब यही पास पास में आ रहा है, आप 10 तक का नहीं पहुंच पा रहे हो बट यही इसी के आसपास रह रहे हो, बार बार घुमा के रह रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा प्रिसीजन का एग्जाम्पल हो गया। ये उसके बाद वाली जो लाइन है, ये लाइन सेम एज इट इज़ कर्नाटका बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो ये लाइन वहाँ पे पूछा गया था, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, इट इज़ अ इट मतलब उसमें डिफाइन करना था कि क्या है, तो प्रिसीजन का वहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या लिखना था, फिल इन द ब्लैंक्स आया था, वहाँ पे आपको प्रिसीजन लिखना था। द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट का एक एग्जाम, ये ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो इसको, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट, यही सेम एज इट इज लाइन क्या क्या गया था, यूज़ किया गया था कर्नाटका बोर्ड में, आपको स्क्रीन पे पेपर भी दिख रहा होगा, तो ये पेपर में आया था, ठीक है। तो अब ये इट इज़ ए डिग्री ऑफ एग्रीमेंट मतलब कितना क्लोजनेस, किस चीज़, एग्रीमेंट क्या होता भाई, समझौता, डिग्री किस हद तक का आप वो चीज़ आप मेज़र कर सकते हो, किस हद तक का आपने मेज़र किया, इसको दूसरी लाइन में पहले समझो फिर वो समझ जाओगे। हाउ क्लोज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ रेप्लीकेट मेजरमेंट आर टू ईच अदर, एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, हाउ क्लोज, एक तरीके इससे समझो, हाउ क्लोज द वैल्यू, वो वैल्यू कितनी क्लोज है एक दूसरे का, अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो, रिप्लीकेट मतलब बार बार रिपीट, आप रिपीट कर रहे हो तो एक दूसरे के कितने पास आते जा रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे सेंटर में भी आ सकते थे, हो सकता है वो सेंटर में भी एक साथ आ जाते, बट ठीक है अगर सेंटर में नहीं भी आए, जहाँ भी हैं तो वो क्या है, एक दूसरे के पास में है, तो ये हमारा प्रिसीजन कहलाएगा। मोर द मेजरमेंट बेटर इज द प्रिसीजन एंड एरर विल बी स्मॉलर, अब बार बार आप प्रिसाइज करोगे, हो सकता है कि अगर आपका निशाना मान लो सेंटर पे लग गया, तो क्या होगा, ये चलो सेंटर में बड़ा करते हो, सारा इसी पे लग रहा है आपको सेंटर पे, तो इस तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे इस केस में प्रिसीजन भी गुड है, प्रिसीजन अच्छा आ रहा है और यहाँ पे एक्यूरेसी भी आ रहा है, क्योंकि एक्यूरेसी का आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, क्लोजनेस आपने पढ़ा था, तो इसमें भी क्लोजनेस है बट इसमें देखो, इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों एक साथ हैं, इस केस में ओनली क्या है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको प्रिसीजन दिख रहा है, ठीक है। एक डायग्राम और भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इससे आप सब कुछ देख सकते हो, जो राउंड दिखाए गए हैं सर्किल में, तो इससे आपको क्लियर हो जा रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, कैसा रहा आज का लेक्चर कमेंट में लिखो, और हमारा जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आपको फ्री में क्या होगा, नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, और ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आपको क्या मिलेगा, इस नंबर से आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है कम्युनिटी, तो उसमें क्या होता है सारे नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पे भी आते रहते हैं। इसके साथ साथ में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट में भी लिखें कैसा लगा। Thank you for watching.